हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को पनीर की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। पनीर बनाने के लिए मैं ली हूँ फ्रेश मलाई, थोड़े से अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मैंने इतना लिया है। 8-9 काजू के पीस, थोड़े से मगज, कसूरी मेथी, 4 बड़े प्याज, 3 टमाटर। टमाटर इसमें बड़ा साइज का लेना है, हाइब्रिड टमाटर, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने देसी टमाटर ले लिया है। 250 ग्राम पनीर है, थोड़े से फ्रोजन मटर है, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो लें नहीं तो नहीं लें। किचन किंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। इसके लिए हम लोग प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, इसीलिए बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। अब इसको हम लोग पानी में डालेंगे, बड़े बड़े पीसेस में कट करके प्याज को, और टमाटर भी हम लोग इसी में डाल देंगे। अब इसको हमें उबालना है, जब टमाटर का छिलका निकल जाए तब टमाटर को निकाल लेंगे, प्याज को उबलने देंगे। हमारा प्याज टमाटर उबल रहा है, मगज को हम लोग भिगा लेंगे और काजू को भी पानी डाल के ऐसे ही छोड़ दें। जब तक हमारा प्याज टमाटर उबल रहा है, हम लोग पनीर को कट कर लेंगे। पनीर को आप लोग अपने हिसाब से कट कर लें, मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी इसको ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में मैंने पनीर को कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसके पीसेस बड़े बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपल पनीर मसाला बन रहा है तो मैंने छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लिया है। ये देखिए, प्याज हमारी उबल गई है, ये देख लीजिए उबल गया है प्याज। अब इसको हम लोग प्लेट में निकाल देंगे ठंडी करने के लिए। अगर आप लोगों को जल्दी हो तो आप लोग इसे ठंडे पानी में डाल दें, जिससे प्याज जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैं इसे प्लेट में निकाल कर छोड़ दूँगी, ठंडा हो जाने पर इसको मिक्सी की जार में करके पीस लूँगी। अब प्याज टमाटर हमारी ठंडी हो गई है, सबसे पहले हम लोग जार में टमाटर को पीस लेंगे। पीस चुकी है, प्याज को भी हमने पीस लिया है, टमाटर को भी। अब सेम जार में हम अदरक लहसुन को पीस लेंगे, अदरक को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा प्याज मिला देंगे तभी अच्छे से पीसेगा। अभी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब जार को पानी से वॉश करके काजू और मगज का पेस्ट बना लेंगे। जार को धो के मैंने इसमें काजू और मगज ले लिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको हम लोग पीस लेंगे। ये देखिए, पानी डालने की वजह से अच्छे से पीस गया है, काजू और मगज आपस में मिक्स हो गया है, अच्छे से पीस भी गया है। अब पनीर को तल लेंगे जो हमने कट कर दिया था। छोटी सी कढ़ाई में मैंने तेल लेके अच्छे से गर्म कर लिया है। सब्जी मैं दूसरी कढ़ाई में बनाऊंगी, बस इसे फ्राई करूंगी। तेल को मैंने अच्छे से गर्म किया है, नहीं तो पनीर ही पकने लग जाते हैं कढ़ाई में। जब भी पनीर फ्राई करें, तेल को पहले अच्छे से गर्म करें, उसके बाद आँच को कम करके फिर पनीर को फ्राई करें। पनीर हमारी अच्छे से तल रही है, ये देखिए। बस इतना ही इसे भूनना है पनीर को, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। अब इसको हम लोग पानी में डालेंगे, इससे पनीर सॉफ्ट रहते हैं। अब इसमें हम बाकी के पनीर डाल देंगे, गैस हमारा फुल में ही रहेगा। दूसरी कढ़ाई में हमने उसी तेल को छान कर ले लिया है। तेल हमारा ज़्यादा नहीं है क्योंकि पनीर हम 250 ग्राम बना रहे हैं, तो तेल हमने कम ही डाला है, 4 से 5 बड़े चम्मच तेल है। तेल को हमने गर्म कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा।
सब कसूरी मेथी डाल देंगे और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको भून लेंगे 2-3 मिनट। इसके बाद इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। गैस की आंच हमारी फुल ही है। अदरक लहसुन भून गया है, अब इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको ढककर अच्छे से भून लेंगे। गैस की आंच को एकदम कम भी ना करें, मीडियम आंच पे इसे ऐसे ही पकाते रहें। इसे ढककर हम लोग अच्छे से पका लेंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। 10 मिनट पूरा अच्छे से इसको भूनना है। उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भून रहा है। 10 मिनट तक इसी तरीके से अच्छे से भूनें। अब हम प्याज के पेस्ट को चेक कर लेंगे। ये देखिए, प्याज का पेस्ट तेल छोड़ चुका है, इसका मतलब प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। 10 मिनट अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे और हमारी कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारी भून चुकी है, अब इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। अब टमाटर का पेस्ट डाल के फिर इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। जैसे हमने प्याज के पेस्ट को भुना था वैसे ही ढककर अच्छे से टमाटर को भी पका लेंगे। इसमें हल्का हल्का पानी भी डाल सकते हैं अगर तेल कम हो, सब्जी चिपक रहा हो तो। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब टमाटर भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला, 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। और ये काजू का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा सॉस भी डालेंगे। टोमेटो सॉस है थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। हल्का सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। अब इसमें मटर के दाने भी डाल दूंगी। बस अब इसको चलाते रहें हल्का हल्का पानी डालकर, फिर हमारा पनीर बनने ही वाला है। अगर आप लोगों के पास मार्केट का लिया हुआ चिकन मसाला हो तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर दें, उससे भी पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एकदम थोड़ा सा चिकन मसाला। अब इसको अच्छे से चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते रहें। अब ग्रेवी में पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालें, 1/2 गिलास करके करीब पानी डालें इसमें, नहीं तो पनीर की ग्रेवी पतली हो जाएगी। अब उबल जाने पर इसमें पनीर ऐड करेंगे और धनिया के पत्ती। ग्रेवी हमारा बन चुका है, अब इसमें पनीर को डाल देंगे। पनीर को मिक्स करके इसमें मिला देंगे, पनीर डाल के इसमें मिला देंगे।
ये देखिए पनीर डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। इसमें धनिया, अब हमारा पनीर बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया की पत्ती, अच्छे से धनिया डालेंगे। अब मैंने जो मलाई आपको बताई थी फ्रेश मलाई, उसको मैंने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया है। इसको डालेंगे, और थोड़ा सा पनीर को ऐसे घिस कर डालेंगे। अब हमारा पनीर रेडी है।